बच्चों नमस्कार, शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज जो है मैं आपको कक्षा 8 की विज्ञान का जो चैप्टर था हमारा खनिज एवं धातु, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, इसका मैं आपको एक वीडियो आपका मैं बना चुका हूँ। एस्क क्या होते हैं और इसके अलावा आपके जो है खनिज क्या होते हैं, ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और एस्क दो वीडियो बना चुका हूँ। और आपको ये भी मैंने बताया था कि जो यस्क होते हैं उनसे हम किसकी प्राप्ति करते हैं, यस्क जो होते हैं उनसे हम धातुओं की प्राप्ति करते हैं। तो धातुओं की प्राप्ति करते हैं लेकिन सभी खनिज जो होते हैं वो यस्क नहीं होते। सभी के सभी जो है बच्चों, जो हमने आपको बताया था कि जो यस्क हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं, सॉरी यस्क क्या होते हैं, वो खनिज होते हैं, यानी ऐसे खनिज होते हैं बच्चों जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। यानी अधिक से अधिक मात्रा में हम अयस्कों से क्या करते हैं, ऐसे खनिज। अयस्क क्या होते हैं, ये खनिज होते हैं। यानी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये अयस्क क्या है ये मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, पहली बात तो ये हमने आपको बताई थी। अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन कैसे खनिज होते हैं, जिनसे ज़्यादा मात्रा में, यानी ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं हम अधिक मात्रा में और सरलता से और कम लागत में। यानी तीन चीज़ें होती हैं, एक तो अधिक मात्रा में हमें धातु मिलेगी, दूसरा सरलता से मिलेगी, ठीक है, और दूसरा लागत कम लगेगी। यानी लागत और सरलता से, यानी आसानी से मिल सके, सरलता से मिल सके, यानी और लागत कम लगे, ठीक है, और अधिक मात्रा में हमें धातु मिल सके। तो ऐसे खनिज जिनसे कि हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं वो हमें कहलाते हैं क्या, अयस्क कहलाते हैं। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे अयस्क हैं खनिज होते हैं, मतलब जितने भी अयस्क हैं हमारे वो सब क्या हैं, वो खनिज हैं, लेकिन सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं होते। ये हमने आपको बताया था, क्योंकि जितने भी, जैसे मान लीजिए ये सब के सब क्या हैं आपके, ये सब के सब आपके खनिज हैं, ये सब के सब क्या हैं, खनिज हैं, लेकिन इसमें ये जो है ये मान लीजिए अयस्क हैं, ये क्या हैं, अयस्क हैं, बीच में ये अयस्क हैं और ये सारा खनिज है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सारे के सारे अयस्क वो खनिज होते हैं, ठीक है, लेकिन सारे के सारे खनिज यहाँ पे अयस्क नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, मैंने आपको बहुत सारे अयस्कों के नाम याद करवाए थे, ठीक है, ट्रिक के साथ करवाए थे पिछले वीडियो में, आप देखिएगा। लेकिन जैसे कि मैग्नीशियम का आपका मैग्नेटाइड होता है, ठीक है, मैग्नेट से मैंने आपको इसको याद करवाया था। जिंक का कैलेमाइन होता है, लेड का गैलेना होता है, ठीक है, गैलिन से मैंने इसको याद कराया था। कॉपर का कॉपर ग्लांस होता है, इसको याद रहे। आयरन का हेमेटाइड होता है, ठीक है, हीमेन से मैंने इसको याद करवाया था, ठीक है। इसके अलावा एल्युमिनियम को बॉक्साइड, बॉक्सर से मैंने इसको याद करवाया था। सिल्वर का अर्जेंटाइड होता है, अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंटाइड होता है, और सिल्वर अर्जेंट टाइम में हमें सिल्वर की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके से मैंने याद करवाया था। कैल्शियम का जिप्सम होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने ये आपको जिप्सम, मैंने आपको जिप्सी से जोड़ के बताया था इसको। तो इस प्रकार से आप पिछले वाला वीडियो देखना, ये सारे आपको याद हो जाएंगे और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम ये बताएंगे आपको कि खनिज जो है भारत देश में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी खनिज जो है और कहाँ कहाँ इनकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यदि हम एटलस लेके बैठते हैं, मैप लेके बैठते हैं, तो हमारे लिए याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए, हमें लोहा, तांबा, चांदी और जितनी भी धातुएं होती हैं, ये सब धातुएं क्या होती, धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, करते कि नहीं करते। हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की भूपट्टी में उपस्थित खनिजों से प्राप्त की जाती है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। कुछ धातुएं हमारे देश में उपलब्ध नहीं होती हैं बच्चों, अतः हम उन धातुओं को अन्य देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। आयात का मतलब होता है यानी मंगाते हैं, ठीक है, आयात का मतलब मंगाते हैं, और निर्यात का मतलब होता है हम किसी देश में भेजते हैं, ठीक है। आना, यानी आयात का मतलब आना, किसी चीज़ का हमारे देश में आना, ऐसे याद रखना है, और निर्यात का मतलब हमारे देश से जाना, ठीक है। तो आइए अपने देश में पाए जाने वाले खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भारत में पाए जाने वाले खनिज और उनके जो प्राप्ति स्थान है वो निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। देखिए, ये तालिका हमें याद करनी है, ये तालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था लोहा, लोहे का क्या है, हेमेटाइड है, ठीक है, इसको हमने आपको लोहे का क्या है, हेमेटाइड है। तो ये कहाँ पाया जाता है, बिहार, देखिए बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा।
जो हमारे जो तमिलनाडु दक्षिण में है, और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक तमिलनाडु ये हमारे दक्षिणी राज्य हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश मध्य में है, उड़ीसा हमारा जो है आपका पूर्वी राज्य है, और बिहार जो है हमारा ये भी आपका उत्तर प्रदेश और बिहार साथ में लगता है, ये भी थोड़ा सा पश्चिम की पूर्व की तरफ जो है बिहार पूर्व की तरफ रहता है, और छत्तीसगढ़ जो है हमारा जो कि बिहार के नीचे झारखंड छत्तीसगढ़ ये वहाँ होते हैं। तो क्या मतलब ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा हमें, ट्रिक भी लगा सकते हैं लेकिन हर चीज़ में ट्रिक लगाना थोड़ा मुमकिन नहीं होता है। तांबा, तांबा कॉपर जो है, एस का क्या बताया था मैंने, तांबे का कॉपर जो है ग्लांस होता है या कॉपर पाइराइट होता है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से मिलता है, ठीक है, इसके अलावा बिहार है, मध्य प्रदेश, तो बिहार से आप देख रहे हैं, बिहार से हमारे को लोहा भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, आंध्र प्रदेश से हमको जो है यहाँ पर जो है आपका तांबा मिलता है, ठीक है, राजस्थान से भी था। सोना, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये कोलार की खानों में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा सोना कहाँ पाया जाता है, तो सोना एक तो कर्नाटक में पाया जाता है, कहाँ से, कोलार की खानों से, कर्नाटक कोलार की खान, देखिए बहुत आसान है इसको याद रखना है, सोना कहाँ से पाया जाता है, सोना कोलार, कोलार की खान होती है, और कहाँ पे है, कर्नाटक में है, तो कहाँ से कर्नाटक और कहाँ से कोलार, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार की खानों से और कर्नाटक में ये है। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश में भी कुछ सोना पाया जाता है, एल्युमिनियम जो होता है वो बॉक्साइट, मैंने आपको बताया था बॉक्सर से जोड़ दिया था, बॉक्सर के जो ग्लव्स होते हैं वो एल्युमिनियम के बने होते हैं, इसको याद रखना है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है कैल्शियम चूना पत्थर जो है, ये सभी राज्यों में पाया जाता है, लगभग संगमरमर के रूप में हम यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देखिए चूना पत्थर लगभग सारे राज्यों में पाया जाता है, लेकिन संगमरमर का जो रूप है चूना पत्थर का वो हमें राजस्थान से मिलता है और मध्य प्रदेश से मिलता है। तो ये कुछ तालिका थी जिसको हमें थोड़ा सा देखना है और याद करना है, ये हम मैप के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, आप एक मैप लीजिए और मैप में क्या कीजिए, आप इस तरीके से मैप लीजिए और उस मैप के अंदर पूरी आउटलाइनिंग कर लीजिए, है ना, मैप के अंदर इस तरीके से बना लीजिए एक मैप लेके खाली, और उसको पूरा का पूरा जो है इस तरीके से पूरा उसको इसके अंदर भरिए कि कौन सा लोहा कहाँ पाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश बिहार में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कर्नाटक में, कर्नाटक आपका जो है ये आपका तमिलनाडु है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक है, केरल है, इस प्रकार से यहाँ महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इस प्रकार से हम यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है, इस प्रकार से हम इस पे पूरे ये मैप का इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए पढ़ना, ठीक है। आगे देखिए, इन धात्विक खनिजों के अतिरिक्त कुछ अधात्विक खनिज भी जैसे कि पाए जाते हैं, ये तो धात्विक, अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक है, कोयला है, पेट्रोलियम पाए, तो कहने का मतलब धातुएं तो पाए, धात्विक खनिज तो हमारे यहाँ पाए ही जाते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, और अभ्रक, ये जो है आपके अभ्रक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये पाए जाते हैं। पेट्रोलियम तो अवस्था में भूपट्टी से प्राप्त किया जाता है ना, ज़मीन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऐसे खनिज भी तेल भी कहते हैं, और अपने देश में इनकी उपलब्धता तालिका में दी गई है। तो जो खनिज तेल, देखिए अभ्रक कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका हमारी तालिका में दी गई है, इनको ध्यान रखना है, ये अधात्विक खनिज है। अभी तक हमने जो हेमेटाइट, लोहा था, सोना था, चांदी था, एल्युमिनियम था, ठीक है, ये सारे के सारे जो हमने पढ़े थे अभी, जैसे कि आपका आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब तो हमारे धात्विक थे, लेकिन अधात्विक यानी अधातुएं जिनके अंदर पाई जाती हैं, जिसमें जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो होता है जो अभ्रक से निकाला जाता है इसको, ठीक है, अधात्विक खनिज है ये, और बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान में पाया जाता है। कार्बन जो है संगमरमर और चूना पत्थर से इसको निकाला जाता है, ठीक है, इसका अधात्विक खनिज है, और राजस्थान में ये मिलता है कार्बन, और कार्बन और एवं हाइड्रोजन ये पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, और गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र तथा कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, देखिए ये सब क्या है, ये सब तटीय क्षेत्र हैं, ये जो है सागर के किनारे होते हैं, जैसे गुजरात है समुद्र के किनारे है, असम समुद्र के किनारे है, असम जो है इसमें कुछ जो है पाया जाता है आपका मेघालय, और मेघालय में नहीं, असम में, और अरब सागर जो है आप देख रहे हैं, ये सागरी क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र जो है उनमें पाया जाता है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, जो गोदावरी है उनके मुहाने पे जहाँ पर ये गिरती हैं जो है समुद्र के अंदर, वहाँ पाया, पश्चिम बंगाल, देखिए ये भी समुद्र का किनारे का इलाका है, बिहार, बिहार में भी कुछ जो है कोयला पाया जाता है, ये नहीं सॉरी 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 यहाँ जो मैं बता रहा था थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पर जो था
ये जो बात हो रही थी हमारी पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम हमारा इसमें पाया जाता है ज़्यादातर, ये आप देख रहे हैं समुद्री इलाके हैं, ये सब क्या है समुद्र के आसपास के इलाके हैं। लेकिन कार्बन जो होता है वो कोयला, जिसको हम बोलते हैं कोयला, हमारा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार से पाया जाता है। तो ये कुछ तालिका थी, इसको याद करना है, दो तीन बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत में सोना, तांबा और जिंक, जस्ता जैसे बोलते हैं, जिंक को जस्ता बोलते हैं, जिंक फॉर जस्ता, और जिंक से देखिए जहाँ से जिंक है जहाँ से जस्ता है, तथा टंगस्टन खनिजों की उपलब्धता बहुत कम है, यानी हमारे देश में सोना बहुत कम पाया जाता है, तांबा बहुत कम पाया जाता है, जिंक, जस्ता यानी टंगस्टन ये बहुत कम पाया जाता है, तथा प्लेटिनम खनिज जो है, तो यहाँ पर प्लेटिनम खनिज क्या है का पूर्ण अभाव है, यानी प्लेटिनम तो बिल्कुल ही बहुत ही कम पाया जाता है। कहने का मतलब जो प्लेटिनम है इसके तो बहुत ही कम मिलता है ये, लेकिन सोना, चांदी, जिंक ये इनकी उपलब्धता बहुत कम है, मतलब ये भी बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, प्लेटिनम भी बहुत ही इसका तो अभाव पूर्ण रूप से है। तो कहते हैं अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला एक खनिज है, जिस में से हम एक या एक से अधिक धातुएँ या धातुओं को क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं उनका, ठीक है, और निष्कर्षण किया जाता है, और अयस्क से धातुओं और धातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को हम धातुकर्म या मेटलर्जी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो बात है वो है मेटलर्जी, यहाँ पे जो याद करने वाली बात है मेटलर्जी। अब ये मेटलर्जी क्या होता है, ये एक तरह का आपका जो है विज्ञान है, ठीक है, क्या है विज्ञान है, किस चीज़ का विज्ञान है, कह रहा है कि धातुओं और अधातुओं को निष्कर्षण किया जाता है। तो अयस्क जो होते हैं, जो खनिज हैं हमारे, तो अयस्कों से धातु और अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के लिए जिस विज्ञान का उपयोग करते हैं हम, ठीक है, शुद्ध करने के विज्ञान को। अब जब क्या होता है कि हमने यहाँ पे समझना है, हमने क्या किया, हमने अयस्कों से धातु और अधातु प्राप्त किए, लेकिन अधातु और अधातु जो हमें प्राप्त होंगे वो होंगे कैसे, उसके लिए कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा, कि कोई ना कोई तो विज्ञान हम उसमें लगाएंगे। तो उसी को हम कहते हैं, जब धातुओं को और अधातुओं को अयस्कों से प्राप्त किया जाता है, जिस और उसके बाद उसको प्राप्त करने के बाद विभिन्न उपायों के द्वारा उनको शुद्ध भी करना पड़ेगा इस्तेमाल करने के लिए। तो शुद्ध करने के विज्ञान को पहले तो क्या किया जा रहा है, उनसे अयस्कों से हमें धातुएँ प्राप्त की जा रही हैं और अधातु प्राप्त की जा रही हैं, यानी अयस्कों से हमें दो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अयस्क जो हैं उनसे दो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं हमें, एक तो धातु और एक अधातु, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, धातु और अधातु हमें प्राप्त हो रही हैं। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये प्राप्त होने के बाद इनको शुद्ध भी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसे तो इस्तेमाल होंगे नहीं, तो इनको शुद्ध करने के लिए हम जिस प्रक्रिया का है, जिन उपायों का इस्तेमाल करते हैं और जिस विज्ञान के अंतर्गत ये किया जाता है, ठीक है, शुद्ध करने के विज्ञान को, इसको हम मेटलर्जी कहते हैं, ठीक है, मेटलर्जी यानी कि धातु कर्म, हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म और इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी, क्या बोलते हैं मेटलर्जी। देखिए कुछ और चीज़ें हम लोग और जानते हैं, तो मेटलर्जी आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मेटल एक तरह से देखिए यहाँ पे लगा भी है, मेटल से जुड़ा हुआ है, मेटलर्जी यानी मेटल, लेकिन यहाँ मेटल नहीं है, यहाँ नॉन मेटल और मेटल दोनों निकाले जाते हैं, अयस्कों से ही इनको प्राप्त किया जाता है, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई उपाय और कोई ना कोई वैज्ञानिक विधि जो इस्तेमाल की जाती है वही, उसी को मेटलर्जी कह दिया जाता है। कुछ और भी जाने देखिए, जानने के लिए यहाँ पर है कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है हमारे लिए। कुछ अयस्क में प्रमुख धातुओं के अतिरिक्त अन्य धातु भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे तांबे के अयस्क को, जिसको हम बोलते हैं क्या, CU, यानी कि तांबे का अयस्क क्या था, हमने आपको कॉपर का अयस्क बताया था, जिसका नाम क्या था, कॉपर ग्लॉन्स था, कॉपर ग्लॉन्स जिसे हम कॉल्को पाइराइट या CuFe, देखिए कॉपर ग्लॉन्स से भी हम कॉपर को प्राप्त करते हैं, इसके अलावा हम कॉपर CuFe और S2 से भी कॉपर को प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये भी कॉपर का अयस्क है, और कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लॉन्स भी है, उससे भी हम प्राप्त किया था, वो सल्फाइड होता है, यहाँ भी देखिए यहाँ पर भी हम इससे प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखिए क्या प्राप्त किया जा रहा है, इसमें हमें कॉपर मिलेगा और आयरन भी है इसमें, इसमें दो चीज़ें हैं, कॉपर भी है और आयरन भी है। तो कॉपर का तो ये होता है सूत्र, और ये संकेत होता है आपका, आयरन का संकेत होता है, और ये देखिए सल्फ़र,
तो यहाँ पे सल्फर भी, तो कहने का था धातु अधातु दोनों ही प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें दो दो धातु हो रही है, यानी प्रमुख धातु के साथ साथ एक अन्य धातु भी हमें मिल रही है तांबे के अयस्क। तो तांबे का अयस्क जो होता है जिसको बोलते हैं कॉल्को, यानी कि कैल्कोपाइराइट, ठीक है, कैल्कोपाइराइट से हमें तांबा भी मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा तांबे के अयस्क कैल्कोपाइराइट से हमें तांबा मिल रहा है, और क्रोमियम के, तांबे के साथ साथ यहाँ आयरन भी है, ठीक है, क्रोमियम के अयस्क में क्रोमाइट में क्रोमियम, और टाइटेनियम के अयस्क में आपका क्या क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब क्रोमियम का अयस्क जो है, क्योंकि अभी तक हमने आपको जो पहले पढ़ाए थे वो सारे के सारे अयस्क जो है मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और कैल्शियम के पढ़ाए, लेकिन यहाँ कुछ अलग दिए गए हैं, अलग से जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर जो देखेंगे हम, तो मैंने आपको बताया तांबे का अयस्क जो है कैल्कोपाइराइट से तांबा, ठीक है, और इसके अलावा क्रोमियम के अयस्क में जिसको बोलते हैं क्रोमाइट, क्रोमाइट में क्रोमियम, ठीक, और टाइटेनियम का अयस्क जिसको बोलते हैं एल्युमिनाइट, जो कि ये होता है जिसमें टाइटेनियम निकालते हैं, ठीक है। देखिए आयरन भी है इसमें, इसमें भी आयरन है, इसमें भी आयरन है, आप देख रहे हैं, और अतिरिक्त अन्य धातु आयरन लोहा भी उपस्थित है। अब इसमें सब में क्या है, इन सभी के अंदर, तीनों के अंदर एक कॉमन चीज़ हमें दिख रही है, देखिए आयरन, देखिए इसमें भी आयरन है, इसमें भी आयरन है, और इसमें भी आयरन, मतलब तीनों के अंदर आयरन भी है। तो इन तीनों से, तो अब जो तांबे का अयस्क है कैल्कोपाइराइट, तांबे का अयस्क क्या है, कैल्कोपाइराइट है। अब इसको याद भी रखना है हमको, और ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं, और रिविजन्स भी करके हम याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी होने से थोड़ा चीज़ें जल्दी याद हो जाती है हमको। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान ये रखना है, तांबे का अयस्क कैल्कोपाइराइट है, और तांबे का अयस्क हमने कॉपर ग्लांस भी पढ़ा था, कॉपर ग्लांस, तो कॉपर ग्लांस तो हमने पढ़ा ही था, वहाँ से कॉपर हमें मिल रहा था और सल्फर भी उसमें था, लेकिन यहाँ पे कॉपर तांबे के अयस्क कैल्कोपाइराइट, देखिए यहाँ पे याद रखना है कैल्को से, कैल्को जोड़ना है तांबा से, कैल्को मतलब कैल्को, ठीक है। तो कैसे आप इसको ट्रिक बनाएंगे, इसकी ट्रिक बना लीजिए, कॉल, कॉल से इसको जोड़ दीजिए, कॉल और कॉपर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो कैल्को पाइराइट यानी कि कॉल कॉपर, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा याद करने का तरीका है, हम इसको कर सकते हैं कॉल, कैल्को पाइराइट यानी कैल्को पाइराइट यानी कि ये किसका अयस्क है हमारा, तांबे का यानी कॉपर का है, ठीक है। ये वाला क्रोमियम का तो इजी है, क्रोमाइट, क्रोमियम का क्रोमाइट होता है, इसको याद करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा है हमारा वो है टाइटेनियम का। अब टाइटेनियम जो था, टाइटेनिक जहाज़ भी आपने सुना होगा, ठीक है, टाइटेनिक जहाज़, तो टाइटेनियम उससे जोड़ दीजिए, और इसका अयस्क कौन सा है, होता है एल्युमिनाइट, यानी कि टाइटेनियम में एल्युमिनाइट, इमली, ठीक है, एल्युमिनाइट, ठीक है, इमली से जोड़ दीजिए, इस तरीके से टाइटेनियम का अयस्क क्या हो गया, टाइटेनियम का अयस्क हो गया हमारा एल्युमिनाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा तांबे का, कैल्को का यानी कॉल, कॉल कॉपर यानी कैल्को का हो गया आपका तांबे, और इसके अलावा हमारा क्रोमियम का क्रोमाइट, और टाइटेनियम का, टाइटेनियम को जोड़ दीजिए टाइटेनिक जहाज से, और इसमें टाइटेनिक जहाज को किससे जोड़ दीजिए, इमली से, और इमली यानी कि एल्युमिनाइट, ठीक है, एल्युमिनाइट, ठीक है, इस तरीके से टाइटेनियम में इमली जो है बहुत थी, बहुत इमली हो गई इसलिए वो डूब गया, इस तरीके से याद कर लीजिए, टाइटेनियम के अयस्क एल्युमिनाइट से हमें टाइटेनियम प्राप्त होता है। तो देखिए ये ट्रिक्स लगा के हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। ये था आज का, हमने आपको बताया पूरा का पूरा कि किस प्रकार से अयस्कों से हम धातुओं को, अधातुओं की प्राप्ति करते हैं, और एक ही अयस्क से हम दो प्रकार की धातुओं की भी प्राप्ति कर सकते हैं, और दो प्रकार की धातुओं के साथ साथ अधातुओं की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक उदाहरण जो बताया, उस उदाहरण को आपको याद रखना है। आज हमने जो पढ़ा, उस सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, भारत में खनिज की उपलब्धता, भारत में कहाँ कहाँ पर लोहा पाया जाता है, तांबा, सोना, एल्युमिनियम और कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पर अधातुएँ पाई जाती हैं।
और अधातुओं के खनिज जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन अभ्रक से प्राप्त किया जाता है। कार्बन जो है संगमरमर चूना, कार्बन और हाइड्रोजन जो है पेट्रोलियम, और कार्बन जो है कोयला है। तो उनके भी हमने बहुत सारे स्थान पर प्राप्ति स्थानों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा सोना, चांदी और जिंक जो है और टंगस्टन जो है, इनकी उपलब्धता हमारे देश में बहुत कम है। प्लेटिनम खनिज जो है हमारे देश में बहुत ही कम अभाव है इसका, हमारे देश में पूर्णतः पाया नहीं जाता। और जो जिसके द्वारा, जिस विधि के द्वारा, जिस विज्ञान के द्वारा हम अयस्कों से, जिस विज्ञान के द्वारा हम अयस्कों से किसकी प्राप्ति करते हैं, धातुओं और अधातुओं की प्राप्ति करते हैं, उसको कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, और इसी प्रकार से हमने कुछ और अन्य जानकारी ली, जिसमें हमने कुछ ऐसे अयस्कों के नाम जाने जिसमें कॉपर का अयस्क था कैल्कोपाइराइट। ठीक है, कैल्को को हमने जोड़ा था किससे, कॉल से, और क्रोमियम का क्रोमाइट, और टाइटेनियम का एल्मेनाइट। टाइटेनिक से जोड़ दिया, एमली से जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये आपको मिल गया है आपका, इसमें सब में क्या है, आयरन है। तो ये थी आज की जानकारी, आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, और इसके बाद इसके हम आगे के चैप्टर को आपको अगली क्लास में आपको बताएंगे, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। ठीक है, आज के इतना बहुत है, देखिएगा समझिएगा, और यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।